ओके तो हेलो गेमर्स, आई एम आयु एंड वेलकम टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग खेलने जा रहे हैं जू एनिमल प्लानट सिमुलेटर। ये लंबा चौड़ा सा नाम है इसका। तो बेसिकली इसमें हम लोग को एक जू खोलना रहता है एंड उससे कमाई करना रहता है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के लेट्स स्टार्ट। तो गेम में हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, प्ले नाउ करते हैं एंड यहाँ पर लोडिंग हो रहा है। ओके तो हम लोग को यहाँ पर ये जाने बोल रहा है एंड इसको खरीदना हम लोग का। तो गाइस यहाँ पर हम लोग पहला घोड़ा खरीद चुके हैं हमारे जू का। ये पहला एनिमल है, इससे हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके रिस्पेक्ट बढ़ रहा है हम लोग का, कमाने लग गए तो रिस्पेक्ट बढ़ रहा है। तो इसके यहाँ पर खाना वाना भी दे देते हैं। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जितने टिकट बिके हैं उससे हम लोग यहाँ पर कलेक्ट कर सकते हैं। उसको लाइन से यहाँ पर टिकट बिकेगा उससे हम लोग पैसा मिलेगा। तो हम लोग को एक नया एक हॉर्स लाना है, फीमेल हॉर्स, एंड नए नए एनिमल्स के जगह खोलना है। जैसे कि यहाँ पर अभी हम लोग को क्रोकोडाइल का खोलना है। और गाइस ये देखो कितना लाइन से टिकट बिक रहा है यहाँ पर, उसको कलेक्ट कर लेते हैं। 120 रुपीज़ हम लोग को यहाँ मिल चुका है। ओके तो यहाँ पर हमारा फीमेल हॉर्स आ चुका है और अभी ज़्यादा लोग आएंगे हमारे जू में। तो गाइस यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो ये है एंट्रेंस, यहाँ से लोग घुसते हैं। एंड यहाँ हम लोग को अलग अलग सामान लगाना है ताकि ज़्यादा उससे कमाई हो। और ये है कचरे का सामान फेंकने का, इसको बाद में लाएंगे, अभी गरीबी छाया है। और ये देखो ये है क्रोकोडाइल का, अब 160 रुपीज़ हम लोग को फिर से मिल चुके हैं। अभी घोड़े लोग को देख लेते हैं, इनको खाना खाना वगैरह भी देना है टाइम टाइम पे। गाइस यहाँ पर ये देखो 9 लोग हैं इस जू में, 9 लोग अभी घूम रहे हैं। और ये देखो धीरे धीरे लाइन से आ रहे, टिकट हम लोग को मिल रहा है उसका, मतलब टिकट का पैसा मिल रहा है, 40 रुपये है पर टिकट। पर ये हमारा और से भाग नहीं जाएगा, इतना छोटा सा तो है इनका। शेर वगैरह भी हम लोग यहाँ पर ला सकते हैं और मछली वगैरह भी ला सकते हैं। फिलहाल गाइस मैं थोड़ा वेट करता हूँ, यहाँ पर कुछ लोग आएंगे, फिर मेरा 1200 कंप्लीट होगा, फिर उससे हम लोग ये क्रोकोडाइल खरीदेंगे। तो गाइस यहाँ पर फाइनली 1200 हो गए हैं एंड खरीदते हैं अब यहाँ पर क्रोकोडाइल का जो भी है। वैसे हम लोग का रिस्पेक्ट बढ़ गया एंड यहाँ पर हम लोग को अब क्रोकोडाइल ऑर्डर करना पड़ेगा। ओके तो यहाँ पर हमारा पहला क्रोकोडाइल आ चुका है। और जितने ज़्यादा हम लोग जानवर पाएंगे उतने ज़्यादा लोग आएंगे हम हमारे जू को विज़िट करने। अबे ये बाहर भागने वाला है, तो ईजिली बाहर भाग जाएगा। बच्चे दूर रख भाई, तू बच्चे खा जाएगा तेरे को। और गाइस ये देखो यहाँ पर लगातार टिकट हम लोग का बिके जा रहा है। टोटल 18 लोग हैं अभी हमारे जू में, इनको घूमने देते हैं थोड़ा। तो ज़्यादा कुछ है ही नहीं, पता नहीं क्या देखने आ रहे हैं ये लोग। एक मिनट में इसको खाना देना तो भूल ही गया क्रोकोडाइल को। यहाँ पर एनिमल शॉप से हम लोग जाके इसको फूड दे सकते हैं। ये रहा इसका फूड, 60 रुपये में आता है। अरे पता नहीं मछली सा तो देख रहा है, पता नहीं क्या है ये। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो कौन कौन से जानवर यहाँ पर है। ये है पेंगुइन है, शेर है, फिर पांडा वगैरह क्या क्या है। गाइस इस बंदे को देखो, ये अपने 2 बच्चे लेके तब से देख ही रहा है एक ही क्रोकोडाइल को। वो क्रोकोडाइल इधर है भी नहीं, फिर भी इसको देख रहा है भाई। डर वर नहीं है क्या, वो खा जाएगा एक बार में निकल के तेरे को। खैर छोड़ो, मरन दो इसको अपने को। खैर तो गाइस मैं यहाँ पर इंस्टॉल कर रहा हूँ एक रेट्रो मशीन, इससे जो भी लोग आएंगे वो लोग गेम भी खेल सकते हैं, जिससे उनका इंटरेस्ट ज़्यादा होगा। 24 लोग आ चुके हैं हमारे जू में, कुछ लोग जा रहे हैं बीच बीच में, कुछ लोग आ रहे हैं। और ये 25 हो गए हैं, 3 ही जानवर को देखने आ रहे हैं बार बार लोग। और गाइस मैं सोच रहा हूँ एक हॉर्सेस का यहाँ पर एक विंड चिम करके एक खिलौना है, इसको यहाँ पर हम लोग लगा देंगे। इससे वो लोग उससे खेलेंगे और इससे हॉर्स लोग उससे खेलेंगे एंड लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे उसको देखने के लिए। तो इसको एक लगा देते हैं, इससे लोगों का हैप्पीनेस भी बढ़ेगा, ज़्यादा खुश रहेंगे और ज़्यादा एंटरटेन करेंगे लोगों को। वैसे मैं लोग खाना देख लेता हूँ है कि ख़त्म हो गया। गाइस यहाँ पर लोगों का खाना ख़त्म हो गया था, तो मैं फिर से खाना यहाँ पर डाल दिया हूँ। अब क्रोकोडाइल का भी खाना देख लेता हूँ, उसका भी ख़त्म हो गया होगा तो डाल दूँगा। हमारे पास 500 हो गए, एक और क्रोकोडाइल ऑर्डर करते हैं। तो यहाँ पर हमारा दूसरा क्रोकोडाइल भी आ चुका है, ये फीमेल क्रोकोडाइल है। अब वो मेल खुश रहेगा इसके साथ रह के। गाइस यहाँ पर इनका हंगर एकदम कम हो गया है, खाना तो यहाँ पर पड़ा है, पता नहीं खा क्यों नहीं रहे हैं। वो देखो वो खाने जा रहा है, हाँ ये खा लिया, इसका हंगर फुल हो गया है। तो चलो ये लोग बीच बीच में खा लेंगे, मेरे को टेंशन लेने का अब ज़रूरत है नहीं ये लोग के लिए। तो गाइस यहाँ पर फाइनली 1600 रुपीज़ से ऊपर हो गया है, 1700। तो अभी लेते हैं ये पेंगुइन्स का।
ये पेंगुइन्स का घर लेते हैं। और ये क्या हो गया मेरे को, खुशी में गोल गोल घूमने लग गया हमारा पेंगुइन, कैसा सा अजीब सा चल रहा है। तो गाइस यहाँ पर हमारा जू अपग्रेड हो चुका है, अब हम लोग गोल्ड टिकट भी बेच सकते हैं ये देखो। और गोल्ड टिकट का प्राइस है 60 रुपीज़, सिल्वर टिकट से 20 रुपये ज़्यादा, तो इससे हम लोग और ज़्यादा कमाई होगा। अभी ये क्या जुड़वा घूम रहे हैं, दो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के दोनों जुड़वा। अरे ये हमारा पेंगुइन कहाँ मर गया, अच्छा बुरा कैसा लको हमारा सब पेंगुइन है। छोड़ो जो भी है, लोग तो देखने आ रहे हैं, 50 लोग होने ही वाले हैं। गाइस यहाँ पर देखो कैसे अजीब अजीब से पेंगुइन है, ये बेबी पेंगुइन ऑर्डर करते हैं, ये ज़्यादा क्यूट है, इससे ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होंगे, इसको देखने आएंगे। ये रहा हमारा बेबी पेंगुइन, यहाँ दीवार में धंसा हुआ है हमारा पेंगुइन। हाँ ये रहा, हवा में उड़ रहा है, इसके पास जादुई शक्तियाँ हैं हवा में उड़ने की। वो देखो पानी के ऊपर उड़ रहा है भाई, वो भाई तो बस तो बिजनेस करके देगा मेरे को, मैं तो काट ही रहा हूँ लोगों का, ये डबल काट रहा है। तो गाइस इसी के साथ यहीं तक रखते हैं इस गेम प्ले को। आई नो ये गेम प्ले बहुत छोटा है, बट या इसमें ज़्यादा कुछ करने को है नहीं, हमारा जू संभालना है, पैसे लाना है और नए नए चीज़ अपग्रेड करते जाना है। यही था इस गेम का गेम प्ले, एंड अगर तुम लोग खेलना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, ट्राई करो एंड कमेंट में मेरे को बताओ कैसा था, कैसा है ये गेम एंड मेरा गेम प्ले तुम लोग कैसा लगा। एंड अगर तुम लोग को अच्छा लगा तो लाइक करो एंड सब्सक्राइब तो अभी तक कर ही दिया होगा, नहीं किया तो कर दो, और आगे भी तुम लोग के लिए ऐसे गेम प्ले एंड गेम्स लाते रहूँगा। तो या मिलते हैं तुम लोग से अगली वीडियो में, तब तक के लिए तुम लोग को पता है क्या करना है, जाओ मेरी बाकी वीडियोज़ देखो।